वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस ऐसा गैस होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? जैसे घर में हमारा कोई फ्रूट का वेस्ट होता है, या प्लांट का वेस्ट होता है, या एनिमल वेस्ट होता है, तो उस वेस्ट से जो गैस बनता है उस गैस को हम बोलेंगे बायोगैस। बायोगैस का मतलब जो होता है, ये टर्म जो होते हैं दो टर्म का बना होता है, एक होता है बायो, दूसरा होता है गैस। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट का वेस्ट हो या एनिमल का वेस्ट हो, तो उससे हम जो गैस हम ऑब्टेन करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बायोगैस। इसमें एग्जांपल हम लेंगे गोबर गैस, ठीक है ना। गोबर गैस का मतलब क्या होता है? ये गोबर गैस, इसमें जो वेस्ट होता है वो काउडंग होता है, तो काउडंग से ही जो गैस बनता है उसको हम बोलेंगे गोबर गैस, या वो गोबर गैस एक एग्जांपल होता है बायोगैस। तो ये जो गैस जो होता है बायोगैस, इसमें ये गैस किस तरीके से बनता है? वो बनता है बैक्टीरिया की वजह से। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरीके से उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। मतलब उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन किस में, किस तरीके से? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये वहाँ पे ग्रो होके फिर क्या करते हैं, उस मटेरियल को पूरा डाइजेस्ट करके उसका ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान जो होता है बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उनकी डाइजेशन, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो इनको ये जो तीनों गैस जो होते हैं ना, हम इनको एज ए मतलब घर में खाना पकाने या किसी और चीज़ में एनर्जी, एज ए एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है जिसको ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे ये गैस बनता है, उन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मिथोजेनस। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टर। मिथेनोबैक्टर क्या है? एक मिथेनोजन, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है? जो भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली, तो वहाँ से जो गैस बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बायोगैस, ठीक है ना। ये तो अगर हम देखेंगे जो रुमिनेंट्स होते हैं, गाय होती हैं या बफेलो होते हैं, उनमें क्या होती है, जो मिथोजेनस जो होते हैं ना, ये उनके पेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, वो सेलुलोज प्लांट्स खाते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल बोलते हैं उनको, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट, वो सेलुलोज से ब्रेक डाउन होके तो उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं मिथोजेनस, तो वहाँ पे भी मीथेन जो होता है गैस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अगर हम बनाएंगे एक बायोगैस का जो होता है, बायोगैस का यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे गोबर गैस की, अगर हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, तो इसमें क्या होते हैं, मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिसेप्शन एरिया, मतलब ये वाला जो होते हैं ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे हम काउडंग, मतलब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें गोबर, या इसको एक सिलरी बनाएंगे पानी के साथ, तो इस रिसेप्शन एरिया में डालेंगे, तो ये क्या जाएगा, ये इस यहाँ से पूरा ये इस पाइप के थ्रू इस डाइजेस्टर में जाएंगे जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको, मतलब काउडंग को, वो डाइजेस्ट करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो गैस बनेगा। तो वो गैस जो होता है ये ऊपर आएगा, ये जो यहाँ पे एक और होल्डर है ना, इसको बोलते हैं गैस होल्डर। तो यहाँ पे हम उस गैस को कलेक्ट करते, फिर अपने अपने घरों में उसको इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका जो नीचे वाला जो मटेरियल जो होता है वेस्ट होता है डाइजेस्टर में, वो कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे टैंक में, जिसको हम बोलते हैं स्लज। तो वहाँ पे उस खाद के, किसी पेड़ पौधों के लिए वो खाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है एक गोबर गैस की कंस्ट्रक्शन होती है। ये सब जो होता है ना, ये टैंकी है, सब हम इसमें मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, मतलब ये मिट्टी, मतलब ज़मीन के अंदर ये बना सकते हैं एक गोबर गैस का प्लांट,
ठीक है ना। तो ये जो गोबर गैस जो होते हैं, अगर हम देखेंगे बायोगैस का मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे पहले ही बोला था, इसमें मेनली गैसेस कौन से होते हैं, मीथेन होता है 60 to 70%। मतलब ज़्यादा जो होता है बायोगैस में, जो सबसे ज़्यादा गैस होता है वो होता है मीथेन, ठीक है ना, 60 to 70। कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 60% होता है, और दूसरे कुछ और गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस होता है या नाइट्रोजन गैस होता है, वो लगभग 1% होता है। तो अगर हम देखेंगे ना, हमारे इंडिया में जो गोबर गैस की जो टेक्नोलॉजी जो दिया था, टेक्नोलॉजी जो मतलब बनाई थी, वो IARI न्यू दिल्ली ने बनाया। IARI का मतलब क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ क्या होता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन दोनों ने टेक्नोलॉजी जो लगते हैं इस गोबर गैस को किस तरीके से हम बनाएंगे, तो वो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। गोबर गैस जैसे इंडिया में हर बहुत जगह पे गोबर गैस प्लांट होता है, तो वो उसमें जो टेक्नोलॉजी जो किस तरीके से वो बनता है, तो वो इन दो इंस्टीट्यूट ने दिए, एक होता है IARI, दूसरा होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।